दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कैनॉट प्लेस जाएंगे और भगवान संकट मोचन हनुमान के दर्शन करेंगे। कुछ ही देर में हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगे सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल को कल मिली थी सुप्रीम कोर्ट से बेल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी है। जेल से रिहा होने के बाद सीएम केजरीवाल कुछ ही देर में दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, जो उनके लिए विशेष महत्व रखता है। सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपनी पहले टिप्पणी में कहा कि वो देश को कमजोर करने के प्रयास में जुटी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में बिताए गए समय ने उनके हौसले को और मजबूत किया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए पहुंच चुके हैं। विशेष महत्व ये मंदिर रखता है उनके जीवन में, और जब भी वो कोई महत्वपूर्ण या कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो वो भगवान हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं, आशीर्वाद जरूर लेते हैं। भावना सिसोदिया हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। भावना, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी भावना, देखिए आज फिलहाल हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री, और इसको लेकर लोग काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि काफी लंबे समय का इंतजार समाप्त हुआ है। जरा अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जब कल वह देर शाम अपने घर पहुंचे, तो उसके बाद आज उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर कैनॉट प्लेस आना था, और अब से कुछ मिनटों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व जो हैं उनके साथ प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता दूँ, आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि मंगलवार और शनिवार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खास दिन है, और वहीं जब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले थे तो वो कहते हुए नजर आए थे बाबा का गदा, संविधान और साथ साथ लोगों का प्यार, जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर हैं। तो वो सबसे पहले बाबा के समक्ष पहुंचे हैं मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने, और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और कई तमाम नेता और मंत्री हैं जो उनके साथ मंदिर में अंदर जा चुके हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ ही देर में जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे तो एक बार वो फिर से दिल्ली की जनता के लिए मैसेज देंगे। देखना बहुत अहम होता है कि आखिरकार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कल तिहाड़ जेल से बाहर निकले, तब भी उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधा था, साथ ही साथ जब अपने घर पहुंचे थे तब भी उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधा था, तो अब अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, क्या मैसेज देते हैं दिल्ली की जनता के लिए? भाई, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं चुनाव भी नज़दीक है, हरियाणा में चुनाव होना है, तो उसको लेकर भी जो है पूरी तैयारियां आम आदमी पार्टी द्वारा कर ली गई हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज और कल के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से मिलने के बाद, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद हरियाणा के चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, और चुनाव प्रचार प्रसार में जुट तो जाएंगे ही, लेकिन भावना, जब कल अरविंद केजरीवाल रिहा हुए, उन्होंने कहा कि वो हर एक ऐसी ताकत को खत्म कर देंगे जो राष्ट्र में किसी भी तरह की असंवैधानिक चीज करने की कोशिश करे, या फिर वो अब जेल से जब बाहर निकले हैं तो पहले से और ज्यादा मजबूत बन के निकले हैं। कहीं ना कहीं ये बताता है कि वाकई जेल में रहकर बहुत से ऐसे प्लानिंग्स हैं जो अरविंद केजरीवाल ने तैयार की होगी कि बाहर निकलते ही इन कामों को तो करना है, इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन होना है। जी जरूर, देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कल साफ तौर पे अपने शब्दों में कहते हुए नजर आए कि तिहाड़ जेल में वो बेशक से 5 महीने रहे, लेकिन तिहाड़ जेल की दीवारें उन्हें कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि अब वो जो निकले हैं वो और मजबूती से निकले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के ऊपर निशाना साधा, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से ऑर्डर आया था, तो ऑर्डर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को हस्ताक्षर करने और उनके मुख्यालय जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भाजपा लगातार राजनीति करती हुई नजर आ रही थी और भाजपा अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो उसको लेकर भी संजय सिंह ने कटाक्ष जवाब देते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी तरीके का कोई मंत्रालय नहीं है, और दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अगर कोई फाइल जानी है तो उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल को साइन करने होंगे, और कोर्ट ने उसको लेकर बाउंडेशंस नहीं लगाई हैं। सब मंत्रालय बटे हुए हैं, मंत्री अपनी फाइल्स पर जो है वो साइन करेंगे, और जो फाइल उपराज्यपाल के पास जानी होगी उसके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री साइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वो ये भी कहते हुए नजर आए कि ये जो पूरा शराब घोटाला है वो अमित शाह
द्वारा रचा हुआ घोटाला है जो कि कोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि जितनी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए तो दिल्ली की जनता के काम नहीं रुकेंगे और दोगुनी रफ्तार से वो काम होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल टूटे नहीं है, कमजोर नहीं हुए, बल्कि तिहाड़ जेल में रहते हुए वो और मजबूत हुए हैं, जिस कारण से मजबूती से अब वो दिल्ली की जनता के काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता के लिए काम तो करेंगे ही, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का जब कमबैक हुआ है भावना, तो क्या ये समझा जाए कि अब जो चुनाव होने हैं हरियाणा में, उस चुनाव में किसी तरह की कोई कमी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी? और बेशक से कुछ शर्तें जरूर रखी गई है अरविंद केजरीवाल के सामने, लेकिन उन शर्तों को मानते हुए उनका पालन करते हुए हर एक स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी को जो अब तक नुकसान पहुंचा है उसे पूरा करने के लिए अपनाया जाएगा और किया जाएगा। बहुत से ऐसे काम अब आम आदमी पार्टी करेगी और अरविंद केजरीवाल खुद करेंगे। जी जरूर, अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, वैसे ही आम आदमी पार्टी इस बात को मजबूती से कहते हुए नजर आई थी कि आम आदमी पार्टी मजबूती से हर राज्य में चुनाव लड़ेगी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए या फिर आगे आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव की बात की जाए। आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही थी, जो भाजपा का काला चिट्ठा है वो खोलने की कोशिश कर रही थी और भाजपा के ऊपर हमलावर भी होती हुई नजर आ रही थी। वहीं अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में रहते हुए भी जब स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट निकली थी तो अरविंद केजरीवाल का नाम पहले नंबर पर था, तो वहीं उनकी पत्नी केजरीवाल का नाम दूसरे नंबर पर देखा गया। तो ये कहा जा सकता है कि केवल अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ने का दावा कर रही थी और कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में और ज्यादा मजबूती देखी जा सकती है।